Hi guys, I am back. My name is Azad. दोस्तों आप सबका स्वागत है आप ही के चैनल हेल्प प्रोडक्शन पर। दोस्तों आज मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप सबको बता दूँ कि जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मेरे 26,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तो मैं फ्री हैकिंग कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों। और हैकिंग कोर्स मतलब मैं कोई गलत टाइप का आपको नहीं सिखाऊंगा, हैकिंग कोर्स मतलब मैं आपको इथिकल हैकिंग का कोर्स चालू कर रहा हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। तो उसका पार्ट वन आज मैं डाल रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा प्रॉमिस मैंने पूरा किया है, तो आप सबसे सिर्फ एक ही गुजारिश है दोस्तों कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए मुझे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। दोस्तों आपको मैं फुल हैकिंग सिखा दूँगा, फुल मतलब एकदम कंप्लीट आपको हैकिंग में सिखा दूंगा। उसके पार्ट वन आज मैं डाल रहा हूँ, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव सब डालूंगा दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ वही वीडियो लाते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट में कहा था कि हमें इथिकल हैकिंग सीखनी है, तो हमें वो सिखाइए। तो दोस्तों आज से मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, पहला पार्ट डाल रहा हूँ। बट आप सबसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए तो लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए। जितनी व्यू होगी उतनी लाइक अगर हुई या उससे ज़्यादा लाइक हुई तो मैं दूसरा पार्ट डाल पाऊँगा, वरना मैं नहीं डाल पाऊँगा दोस्तों। क्योंकि अगर किसी को पसंद नहीं आया, पसंद आया या नहीं आया, वो मुझे पता नहीं चलेगा दोस्तों। इसलिए आप सबसे एक ही गुजारिश है कि मेरी जो भी वीडियो मैं आज डालूँगा एथिकल हैकिंग की पार्ट वन, आज से क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप फटाफट लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अब मैं वन बाई वन रोज़ एक एक एथिकल हैकिंग के पार्ट डालता रहूँगा दोस्तों। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ वही वीडियोस लाते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपको भी कोई टाइप की वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं कि मुझे इस टाइप की वीडियोस चाहिए, मैं हर टाइप की वीडियोस बना के आपके पास हाजिर हो जाऊँगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हैकिंग के पहले हिंदी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे हैकिंग दरअसल क्या होती है और हैकिंग को लेकर जो भ्रांतियां हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों हैकिंग के बारे में सबसे बड़ी भ्रांति है कि हैकिंग का मतलब होता है चोरी करना। दोस्तों हैक का मतलब होता है बाईपास, और अगर आप हैकर का डिक्शनरी या शब्दकोश से मीनिंग देखेंगे तो आप जानेंगे जो व्यक्ति लकड़ी पर नक्काशी का कार्य करता है, या आसान शब्दों में कहो तो जो लकड़ी को अपनी इच्छा के अनुसार एक स्वरूप देता है, जिसे हम हिंदी में बढ़ई भी कहते हैं, वो हैकर कहलाता है। यही बात कंप्यूटर पर लागू होती है। आप स्क्रीन पर हैकर की डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, अ पर्सन हु एंजॉय मॉडिफाइंग हाउ सिस्टम फंक्शन इज कॉल्ड हैकर, यानी वह व्यक्ति जो किसी भी मीडिया डिवाइस को उस तरीके से कार्य करवा सकता है जैसा उसे पसंद है, हैकर कहलाता है। हैकर का कंप्यूटर स्किल एक्सेलेंट होता है, ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और कंप्यूटर को किसी दूसरे से ज़्यादा जानते हैं। आइए अब हम देखते हैं हैकर के टाइप्स क्या होते हैं, हैकर्स कितने टाइप्स के होते हैं। पहला है ब्लैक हैट हैकर्स, जिन्हें हम क्रैकर्स भी कहते हैं, वाइट हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स, सुसाइड हैकर और फ्रीकर्स। सबसे पहले ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स वो होते हैं जो अकेले कार्य करते हैं और इनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंप्यूटर स्किल होता है, ये क्रैकर के नाम से भी जाने जाते हैं, इन्हें मेलिशियस एक्टिविटीज करना अच्छा लगता है। ये बुरे हैकर होते हैं, गलत तरीके से अपने स्किल का उपयोग करते हैं। वाइट हैट हैकर किसी लीगल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं, इनका कार्य ब्लैक हैट हैकर को रोकना होता है, ये पेनिट्रेशन टेस्टर या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। ये वही टूल्स और वही इसके लिए यूज़ करते हैं जो क्रैकर्स करते हैं, पर वाइट हैट हैकर सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी दूसरे शब्दों में कहो तो ये डिफेंसिव होते हैं। ग्रे हैट हैकर्स ये दोनों तरह के कार्य करते हैं, सबके सामने तो ये वाइट हैट हैकर की तरह कार्य करते हैं पर अकेले में इनकी एक्टिविटीज़ ब्लैक हैट हैकर्स की तरह होती है। फिर आते हैं दोस्तों सुसाइड हैकर पर। सुसाइड हैकर वो होते हैं जिन्हें हैकिंग के लॉ और उन कायदे और कानून की समझ नहीं होती, इन्हें हैकिंग को लेकर कितने लॉज, किस किस कंट्री में किन किन लॉज, कौन कौन से लॉज चलते हैं, इन्हें नहीं पता होता।
इन्हें नहीं पता होता कि जो कार्य करेंगे इसका परिणाम क्या होगा और इन्हें कितनी सजा भुगतनी पड़ सकती है। दोस्तों फ्रीक की बात करें, दोस्तों फ्रीक वे होते हैं जो अपनी हैकिंग स्किल का इस्तेमाल सिर्फ फ़ोन हैकिंग पर ही यूज़ करते हैं और इन्हें फ़ोन हैकिंग में ही रुचि होती है। दोस्तों हैकर वर्ल्ड में हैकिंग को लेकर कुछ टर्म्स या कुछ शब्दों का प्रयोग बार बार होता है, आइए हम उन्हें एक बार जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले होता है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का तात्पर्य कमियों से है, किसी सिस्टम की सिक्योरिटी में कहीं कोई कमी रह जाती है तो उसे वल्नरेबिलिटी या लूप होल कहते हैं। इन्हीं लूप होल या वल्नरेबिलिटी के द्वारा कोई हैकर आपके सिस्टम को हैक कर सकता है। दोस्तों सेकेंड टर्म है रेड टीम। रेड टीम में अलग अलग तरह के स्किल्स वाले हैकर मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, जिन्हें अलग अलग फील्ड में महारत हासिल होती है। ऐसे हैकर्स मिलकर एक रेड टीम बनाते हैं और फिर वो किसी को हैक करने का काम करते हैं, तो ऐसी टीम रेड टीम कहलाती है। सेकेंड थर्ड वन टारगेट या विक्टिम। टारगेट या विक्टिम वो कहलाते हैं जिस सिस्टम को हैक किया गया हो। पैच लेवल, दोस्तों वल्नरेबिलिटी या लूप होल या कमियों को ढूंढ कर उस सिस्टम की उन कमियों को पूरा कर देना पैच लेवल कहलाता है। आखिरी में बात करेंगे हैकटिज्म के बारे में। दोस्तों हैकिंग का उपयोग जब किसी पॉलिटिकल एजेंडे को प्रमोट करने के लिए होता है तो हैक होता है, या फिर हैकटिज्म बदले की भावना से पैदा होता है पॉलिटिकल और सोशल रीजन की वजह से। जो हैकिंग होती है वो हैक्टिज्म कहलाती है। दोस्तों हैकिंग एक कंप्लीट मॉड्यूल चलता है। मॉड्यूल मींस हैकिंग की अपनी अपनी एक के बाद एक सारी स्टेप्स होती हैं, उसके बाद हैकिंग का एक कंप्लीट कोर्स पूरा होता है। आज हमने हैकिंग का इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट सारे ट्यूटोरियल्स में हम वन बाय वन सारे ट्यूटोरियल्स देखेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल फुटप्रिंटिंग, उसके बाद स्कैनिंग, फिर न्यूमरेशन, सिस्टम हैकिंग, ट्रोजोन्स, वायरसेस एंड वॉर्म्स, स्निफिंग, सेशन हाईजैकिंग, वेब हैकिंग, क्रिप्टोग्राफी एंड वायरलेस नेटवर्क हैकिंग। दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल मैं आपके लिए डालूंगा वो फुटप्रिंटिंग का होगा, ज़रूर देखिएगा। और अगर मैं आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इसे लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।